हेलो एवरीवन, दिस इज फिजिक्स सॉल्यूशन आरके एंड वेलकम टू ए न्यू कंटेंट ऑफ ग्रेविटेशन एंड सेंट्रल फोर्स मोशन लेक्चर नंबर 5 बीएससी फिजिक्स फर्स्ट सेमिस्टर कोर 2i एंड थर्ड यूनिट्स। तो आज पिला माने हम डिस्कशन करया पे जाउछंती ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल। ताहले हम प्रीवियस सेक्शन लेक्चर 1, 2, 3, 4 रे आमे ग्राविटेशन विषय रे बेसिक आइडिया, ग्राविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप स्पीड, ग्राविटेशनल पोटेंशियल इंटेंसिटी ए विषय रे ऑलरेडी हम पढ़ी सारछंती। तो जो माने आज रो वीडियो लेक्चर को नुवा सुनती डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखि देबो, आमे ऑलरेडी लेक्चर 1, 2, 4 पर्यंत पढ़ाई छु। आउ जदि तुमर किछ डाउट्स ता निहाते कमेंट्स बॉक्स रे कमेंट्स करी कहिबो। आउ गोटे कथा हो, जहाँ किसी भी नोट्स दरकार निहाती मत डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो व्हाट्सएप नंबर अच्छे मतलब व्हाट्सएप मेसेज करी। आ वीडियो पसंद लगे निहाती वीडियो को लाइक करेंगे और आमको सब्सक्राइब करा को भूलिए ना। तो ठीक अच्छे, तो देख आज आम गोटे इंपोर्टेंट डिस्कसन करने जाऊँगी जहाँ कि तुम लॉन्ग क्वेश्चन जहाँकि तुम 6 मार्क आसो कि तुम जो 6 मार्क आसो यही गोटे पार्ट आसो। तो कथ पढ़ु से कौन से तुम कह जे डिराइव द ग्राविटेशनल पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल। मन कर कंसीडर ए स्फेरिकल सेल हैविंग रेडियस आर, हैविंग रेडियस ए। मन कर पहले मोर स्फेरिकल सेल नहीं जी, तो एटा हला मोर उटे एक्सिस हला मोर एक्स एक्स डैश एक्सिस नो जी मु आ जहार रेडियस केते अछि ना ए अछि, ए बी द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल। कंसीडर ए बी, कंसीडर ए बी and CD with a small part of the spherical cell. ए जो spherical cell रखु जो, ए spherical cell रो, ए जो मु cross section कली, जोड़ा को पिला माने मु एबे line mark देजी, ए टा हला तारा उटे small elements. ए जो small elements मु कहे की नहीं ची, कहे की ना मु प्रथमे ए small elements पाइं potential बाहर करी भी, आ ताकु integration कर देले, मो totals स्फेरिकल सेल पाए बाहर जीवो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो कथा पढ़ू जी, ए जो स्मॉल सेक्शन देखु जो स्मॉल एलिमेंट्स देखु छ, मन रख आम जो पढ़ीले जे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ीले, आम जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ीले सिंबल थिला V, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर्मूला थिला -g into mass of spear। मास फॉर्मूला थिला V इक्वल्स टू -gm/r पढ़ते मन पड़ू, किंतु पहले ये जगह रे मु सिंबल किसी अलग नहीं तेणु मु V रो सिंपल फॉर्म लिखुची जो dV अच्छी स्मॉल स्मॉल पोटेंशियल अच्छी जेहेतु मु स्मॉल एलिमेंट्स नहीं स्मॉल एलिमेंट्स पाई मु स्मॉल पोटेंशियल पाइबि आईटा है dV फॉर्मूला हो -g एबे पिले मास ऑफ ऑफ टोटल स्फीयर मु नेबिनी मास ऑफ एलिमेंट्स नेबी जेहेतु मु एलिमेंट ए जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स अछि जेहेतु मु ता पै पोटेंशियल बाहर करछि तरे मु तार मास नेबी डिवाइड बाय देखो पिले ए जो आर थिला आमे जो डिराइव करथिले ए आर ता कहा बेत डिस्टेंस थिला ने तमे जो पॉइंट रे बाहर करछो सेहीटु एलिमेंट्स रो डिस्टेंस थिला। तो देखो पिला माने ए जो जगह रे आमे जो स्फेरिकल सेल पै बाहर करछुंती यार दीटा पॉइंट्स बाहर करबा। फर्स्ट पॉइंट हूँ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सेल, जदि ये सेल भितरे सेल बाहर गोटे पॉइंट नवा जमी ये मोर गोटे स्फेरिकल सेल हो गला एठे पॉइंट पीटा अच्छे। कंसीडर एक्स विद द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सेल एंड पॉइंट पी, आमर एम हूँ आम पी पॉइंट ग्राविटेशनल पोटेंशियल को कैलकुलेट करवा आउ ये पॉइंट पीटा आउटसाइड अच्छे। तो फास्ट आम एक्सटेरियर पॉइंट तम आउटसाइड आउटसाइड सेल बाहर करवा। सेकेंड केस रे ए जदि पी पॉइंट पी टा इनसाइड थिबो से जगह मतलब बाहर करवा, फास्ट आम आउटसाइड रे बाहर करवा तापर आम इनसाइड रे बाहर करवा, एमिते आम दीटा केस रे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बाहर करिया। तो से फास्ट केस मु लिखीजी पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सेल, मन कर ए पॉइंट पी टा सेल बाहर अछि आ एक्स डिस्टेंस अछि, ताहले ए जो डिस्टेंस एक्स ला ए आर टा कहले कोन की आर कहले सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट पी जो पॉइंट बाहर करो आ मोर ए जगह रे मु ए जगह कोन करछि ना सेंटर ऑफ द सेल आ पॉइंट पी भितरे जेबा डिस्टेंस मु केने जी एक्स ले जी तनो ए जगह रे मु एक्स लिखिबि।
कौन लिखी एक्स लिखी तले स्मॉल पोटेंशियल जो डीवी डीवी इक्वल्स टू माइनस जी बाय एक्स इनटू मास ऑफ एलिमेंट्स किंतु मत पे ये एलिमेंट्स मास मु टोटल जाने ना किंतु मुझे पे कंसीडर कौन कर कैपिटल एम बी द मास ऑफ द सेल ए जो टोटल सेल लिखु जो स्पेरिकल सेल ए स्पेरिकल सेल रो टोटल मास था जो कैपिटल एम टोटल मास था जो कितने पिला माने कैपिटल एम किंतु ए जो एलिमेंट्स रो मास था कितने मुझे जानने मास जाने आप हेले लेट अस कंसीडर सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया ए जो सिग्मा टा अछि सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया तो प्रथम कथा हूँ मु कौन बाहर करी ना प्रथम मोर तो मास दरकार मास फर्मुला कौन हो सिग्मा इंटू एरिया कितु मत एरिया जाना ना मुझे बारंबार कहूँ मुझे बाहर कर स्मल एलिमेंट्स बाहर करोटाल बाहर करनी स्मल एलिमेंट्स बाहर कर सर ताक इंटिग्रेट कर टोटाल बाहर जीवे फास्ट बाहर करा एरिया एरिया अफ एलिमेंट देखो पे जो एरिया अफ एलिमेंट्स अच्छी जो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स अच्छी एरिया अफ एलिमेंट्स फर्मुला कौन आम जानते ता फर्मुला हूँ सर्कमफेरेंस इनटू विड्थ अफ एलिमेंट सर्कमफेरेंस इनटू विड्थ अफ आन एलिमेंट्स सर्कमफेरेंस इनटू विड्थ अफ आन एलिमेंट्स आउ गोटे कथा पे मन कर यो पी पॉइंटा ये एसी देखु जो एसी यहाँ पे सेंटर ई मन करा एसी पॉइंट टू मन पी पॉइंटा के डिस्टेंस अच्छी ना मन पी पॉइंटा आर डिस्टेंस अच्छे आउ पे ये एंगल्स के मेड कर एंगल्स थीटा मेड कर सी पॉइंट जो स्मॉल क्रॉस सेक्शन करुच्ची ये स्मॉल एसी पे अच्छी एसी सहित ये एंगल्सटा के थीटा तो डी थीटा हूँ स्मॉल एंगल्सटा कि बड़ एंगल्सटा हूँ मोर सिंपली के पे थीटा ताहले एरिया ऑफ एलिमेंट फॉर्मूला हो जी सर्कमफेरेंस इनटू विड्थ ऑफ एलिमेंट तो सर्कमफेरेंस फॉर्मूला कौन सर्कमफेरेंस परिसीमा परिसीमा फॉर्मूला कौन ना टू पाए आर तुम जान टू पाए आर कि आर टा कौ आर टा ए सी आर हो जी जे तुम एलिमेंट्स एरिया बाहर कर बारंबार कह एलिमेंट्स एरिया बाहर कर एलिमेंट्स जेतु एरिया बाहर कर मोर रेडियस के देव ए सी तमें ए सी तमें ए सी रो एरिया सी रो रेडियस के टू पाए इंटू सी इंटू विड्थ ऑफ एलिमेंट विड्थ कह मोटे मोटेटा के एसी अच्छी तो मोटेटा है एसी मोटेटा केसी है टू पाए सीटा पे के हम तुम जो ट्रांगेल ये ट्रांगेल देखु एस ओ ट्रांगेल ए ओ जो तुम देखु जो मुझे साइन थीटा ने साइन थीटा फॉर्मूला हूँ पी वाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस एटे मोर परपेंडिकुलर किए है ना परपेंडिकुलर है सीई मु ए परपेंडिकुलर सीई देख पे ए आउ सी आर भेरी क्लोज टू इच अदर तेनालीरु गोटे डिस्टेंस सीई डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस किए यहाँ है हाइपोटेन्यूस एओ आ के ए अच्छे जहाँफल आम कहीपर सी इक्वल्स टू के ए साइन थीटा तो सी जगह मुझे सिंपल पुट कर ए साइन थीटा इंटु एससी एससी है विड्थ ऑफ एलिमेंट एवं देख पे ये क्रॉस सेक्शन टा अच्छी ये क्रॉस सेक्शन देखु यहाँ विड्थ ऑफ एलिमेंट्स जदि पे यहाँ मोर लेंथ ऑफ आर्क थाए ये लेंथ ऑफ आर्क ये रेडियस ये हूँ एंगल्स थीटा आम जानते एंगल्स फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस तो लेंथ ऑफ आर्क टा के सॉरी एंगल्सटा के स्मॉल एंगल्स आउ ए स्मॉल एंगल्सटा मुझे कौन नहीं कि ना स्मॉल एंगल्स को मुझे डीटा नहीं लेंथ ऑफ पार्क नहीं मुझे एसी नहीं लेंथ ऑफ पार्क हूँ एसी तो लेंथ ऑफ पार्क है एसी बाय रेडियस आउ ये रेडियस क्या नहीं ए नहीं रेडियस क्या नहीं ए नहीं डी थीटा इक्वल्स टू एसी बाय ए जो कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखो ताहले डिटेल्स से बुझिपार ना हैरान हम ताहले एसी इक्वल्स टू मोर कौन हो गला ना एस इक्वल्स टू ए डी थीटा ताहले ए जो एस जगह मुझे सिंपली पुट कौन करी ना ए डी थीटा पुट करी ताने पे तुम एरिया फर्मूला कौन हो गला ना टू पा ए साइन थीटा इंटु ए डी थीटा ये तुम एरिया हो गला या इजिली लिखी या कौन लिखिपर या मुझे लिखिपर कौन ना टू पाए ए इंटू है ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा ये तुम एरिया बाहरी गला एलिमेंट एरिया बाहरी गला किंतु आमको दरकार कौन मास ऑफ एलिमेंट्स दरकार तो देखो पे सिग्मा फॉर्मूला हूँ मास बाय एरिया मास फॉर्मूला कौन हम ना सिग्मा इंटू एरिया तो जहाँ एरिया बाहर से जगह सिग्मा टे मल्टीप्लाई कले तुम पाइज मास ऑफ एलिमेंट्स
तो जो मास ऑफ एलिमेंट्स अच्छी एरिया रे मो सिग्मा मल्टीप्लाई करबे एरिया बाहर जे मोर केते ना एरिया बाहर जे केते 2 पाई ए स्क्वायर sin थीटा डी थीटा इनटू सिग्मा मल्टीप्लाई कर दियो तो सिग्मा मल्टीप्लाई कर देले तुम पाई जबो मास ऑफ एलिमेंट्स तले पले ए तो मतलब डीवी ए मोर के इक्वेशन 1 लिखु जबो क्लियर होला त कि ता मान तमे स्मॉल ए एलिमेंट्स पाई पोटेंशियल बाहर कर देलो एबे कथा रहू जी कोन मु ए जगह देखो उठे प्ले सब्स्टिट्यूट करबी तमे चाहले स्क्रीनशॉट नै पारिबो बा मु तुमको नोट्स दे पारि भल स्क्रीनशॉट नहीं जाओ ठीक अच्छे तो देख पिला माने एटा कोन करबा आम गोटे कोसाइन फॉर्मूला पढ़ा जहाँ प्लस टू लेवल पढ़ी जे कोसाइन फॉर्मूला जो अच्छी कोसाइन फॉर्मूला कौन गोटे अच्छी ना एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू ए आर कॉस थीटा मन पक या तुम कोसाइन फॉर्मूला पे मैंने कहले कॉस फॉर्मूला तुम आपको कॉस फॉर्मूला को प्लस टू लेवल पढ़ी छो ना नहीं ताहले एक्स स्क्वायर तेल ये जो डिस्टेंस अच्छे एक्स स्क्वायर यही एक्स स्क्वायर को लिखी पारि कौन ना ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू ए आर कॉस थीटा माइनस टू ए आर कॉस थीटा माइनस टू ए आर कॉस थीटा ठीक ठीक है रोपले एटा प्ले मु एक्स नौजी एटा प्ले एक्स नहींजी एटा प्ले आर नहींजी तो ये प्ले आर नहीं जाए एक्स कहीं जब एटा को एक्स नेबी तो फर्मुला बाहर ये जो एक्स नहींजी ये एक्स फर्मुला हूँ कौन ना एक्स फर्मुला हूँ कौन ना सरी एक्स स्क्वायर फर्मुला हूँ कौन ना ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू ए आर कॉस थीटा तम ये जो तुम देखु यार फर्मुला हूँ जी एवं याक मन को डिफरेंशिएट करुच्छे जितेबाला मुझे डिफरेंशिएट करी तो सिंपली मुझे डेरिवेटिव नेबी तो डिफरेंशिएट डिफरेंशिएटिंग द एबव इक्वेशन डिफरेंशिएटिंग द एबव इक्वेशन मुझे ऊपर इक्वेशन मुझे सिंपल डिफरेंशिएट कली तो कौन पाइबि ना एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर जो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रे परमार पले को जो डिफरेंशिएटिंग द एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ताले एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव होजी 2x देखो जो तुम्हें डेरिवेटिव सा इंटीग्रेशन माने नहीं तो फास्ट डेरिवेटिव आ इंटीग्रेशन प्राक्टिस कर ना तुम टे डिफिकल्टी आ रहे हो तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ला dx से a स्क्वायर कांस्टेंट 0 r स्क्वायर कांस्टेंट 0 माइनस 2ar कांस्टेंट cos थीटा रो डेरिवेटिव केते ना माइनस sin थीटा d थीटा माइनस sin थीटा d थीटा ये कांस्टेंट बोली 0 बुझियाला ये पार्सल डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा ताहले तुम कहीपर सिंपल टू एक्स इक्वाल्स टू टू ए आर साइन थीटा डी थीटा टू टू कटिगला आम कहीपर कौन ना जो साइन थीटा डी थीटा अच्छी साइन थीटा डी थीटा इक्वाल्स टू एक्स बाई ए आर तो देख यही साइन थीटा डी थीटा सहित जो ए आर टा मल्टीप्लाई आर पर डिवाइड हो जीवो तो मुझे कहीपर साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई ए आर ये बुझेगा बुझेगा तो ठीक अच्छे एवं ताल ये जो साइन थीटा डी थीटा देखु इक्वेशन वन इक्वेशन वन जो साइन थीटा डी थीटा देखु तुम या जगह से वैल्यू पुट कर दियो ता माने इक्वेशन वन बिकम्स इक्वेशन वन कौन लिखिपर आम लिखिपर डी इक्वल्स टू माइनस जी टू पाए ए स्क्वायर सिग्मा बाई एक्स साइन थीटा डी थीटा जगह लिखुच मु एक्स बाई ए आर लिखुच एक्स बाई ए आर सिंपल साइन थीटा डी थीटा जगह मु एक्स बाई ए आर लिखी एवं कह कटिगला पर कौन तो डी इक्वल्स टू एक्स एक्स कटिव ए गोटे ए कटिला बाकी डी इक्वल्स टू कौन ना माइनस टू जी पाए ए सिग्मा बाई आर देख ल कौन देख चेक कर क्रस चेक कर ये हूँ कि नहीं माइनस जी टू पाए ए सिग्मा आर अच्छा अच्छा पे आउ गोटे कथा जो पार्सल डेरिवेटिव नहीं तो एक्स डीएक्स करी ठीक है जो पे मैंने जो पार्सल डेरिवेटिव करी एक्स डीएक्स ए आर डीएक्स डीएक्स होगा सिंपल डीएक्स तो बुझेगा ये तुम हूँ डी फॉर्मूला ए डी की आम ए इंटीग्रेट करवा जब इंटीग्रेट करवा तो डिफरेंटिएशन के भी किंतु इंटीग्रेट भी करवा आउ प्रॉपर लिमिट से पुट करवा तो इंटेग्रेटिंग द एबव इक्वेशन इंटेग्रेटिंग द एबव इक्वेशन एंड पुटिंग द प्रॉपर लिमिट एंड पुटिंग द प्रॉपर लिमिट से कहजी तुम्हें ऊपर इक्वेशन को इंटीग्रेट कर आउ लिमिट्स प्रॉपर लिमिट्स पुट कर स्क्रीनशॉट नहीं जा मुझे लिभेबी बर्तमान ना पे स्क्रीनशॉट ठीक अच्छे
एबे आमे सिंपल कौन करिबा ना को इंटीग्रेट करिबा सिंपल इंटीग्रेट करिबा आउ लिमिट्स पुट करिबा तो देखो ताहले डीवी रो इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन डीवी रो इंटीग्रेशन एटा प्ले तो कांस्टेंट के माइनस टू सिंपल इंटीग्रेशन कले कांस्टेंट बाहर को पले आसे इंटीग्रेशन रे तो माइनस टू जी पाए ए सिग्मा बाय ए स्क्वायर सबुरा कांस्टेंट खाली इंटीग्रेशन के डीएक्स ता माने आमर एप्ले डी पर जी अछि सेटा वेरिएबल्स बाकी आ सब कांस्टेंट त एक्स इन डिफरेंशिएट हे जी बाकी आ किछि भी वेरिएबल्स नै सब कांस्टेंट हे गला तले माइनस टू जी पाए ए सिग्मा बाय आर एटा हम कोन करली ना कांस्टेंट बोली भाबि देली कांस्टेंट बोली भाबि देली अच्छा एटा गुटे अछि ना गुटे अछि सॉरी ऊपर के नै रहबो ऊपर रहबो ना केतरे रहबोडा माइनस टू जी पाए ए सिग्मा डीएक्स माइनस टू जी पाए ए सिग्मा डीएक्स अच्छा अच्छा माइनस जी टू पाए ए सिग्मा डीएक्स गोटे आठ रही है उपरे अच्छा एक्स बाय ए आर अच्छा सरी पे मैंने यही आठ रही देख आउ थर चेक कर सिंपल एक्स एक्स कटिज ए कटिज उपर ए रही तला गोटे कौन रही आर रही ठीक अच्छे ठीक कहल एटा आर रहा हला एबे आ कमे इंटीग्रेट करबा लिमिट्स पुट करबा 0 टू वी एड लिमिट्स को पुट करबा देखो पिला माने आमे लिमिट्स पुट करे कोठु ना ई पॉइंट रु पी पर्यंत ई पॉइंट रु पी पर्यंत आउतरे ई पॉइंट रु पी पर्यंत तले टोटल थिला आर एति अच्छा सॉरी आमे प्ले जो इंटीग्रेट करबा आमे डायमीटराइज माने ई एक्स रु पी आ एक्स डैश रु पी आम एक्स रूपी लिमिट्स पुट करवा आ गोटे एक्स डैश रूपी लिमिट्स पुट करवा बुझेगा एक्स रूपी टोटालटा आर अच्छी रेडियसटा ए एक्सपी कता हम ना आर माइनस एमती ए मुंड रु एक्स डैश रु पी ए टू पुणी एक्स डैश रु अच्छा एति आर एति ए आर प्लस ए लिमिट्स ठीक से चेक कर आर माइनस ए टू आर प्लस ए आर माइनस ए टू आर प्लस ए ताहले एटा हम कहि पारिबो जे डीवी रो इंटीग्रेशन ऑफ वी लिमिट्स ला 0 टू वी एला माइनस टू जी पाए ए सिग्मा बाय आर डीएक्स इंटीग्रेशन सिंपली केतला एक्स एला आर माइनस ए टू आर प्लस ए बुझला ताहले अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स अपर लिमिट वी लोअर लिमिट 0 तो वी माइनस 0 एला माइनस टू जी पाए ए सिग्मा बाय आर ये अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट पुट करिवो तला आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए तला वी माइनस जीरो जे वी तला माइनस टू जी पाए ए सिग्मा बाय आर ये पे लिमिट्स पुट कर लेला आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए तो आर माइनस आर प्लस आर कटिला बाकी रहला कितना वी इक्वल्स टू माइनस टू जी पाए ए सिग्मा बाय आर इंटू टू ए बुझेगा एवं आपको सॉल्व करो स्क्रीनशॉट नहीं जा स्क्रीनशॉट नहीं जा पहले मैं डेरिवेशन की लेंथी हो जी स्क्रीनशॉट नहीं जा नेला स्क्रीनशॉट की स्क्रीनशॉट नेलो ठीक अच्छे तो ठीक अच्छे डेरिवेशन पे लेंथी हो बा ताहले एबे एबे आपको पहले सॉल्व करिए हमें तो v इक्वल्स टू ये तुम के तेला ना 2 माइनस को माइनस रखो जी 2 इन 2 के तेला 4 हैला ये g g पाए a इनटू a स्क्वायर सिग्मा बाय g टा बाहर को g 4 पाए a स्क्वायर सिग्मा r एबे पिले कहिलो मास ऑफ स्फेरिकल सेल मास ऑफ स्फेरिकल सेल केत हो टोटल सेल स्फेरिकल मास केत हो तुम जानि जो मु कहू पे कौन ना सिग्मा इक्वल्स टू मास बाय एरिया ताले मास केत हो ना मास ऑफ एरिया इनटू सिग्मा एरिया केत हो एबे टोटल स्फेरिकल सेल रो रेडियस ए स्फेरिकल सेल रो एरिया केते 4 पाए ए स्क्वायर तो एरिया जागे पुट करबो 4 पाए ए स्क्वायर ए माने रेडियस ना तमे जा को जो 4 पाए आर स्क्वायर एटा मु रेडियस स्क्वायर नै जी तो 4 पाए ए स्क्वायर इनटू सिग्मा ता माने पिले 4 पाए ए स्क्वायर सिग्मा
यहाँ तुम कौन है सिंपल मास होगा कौन होगा पे मास होगा तेल भि इक्वल्स टू माइनस जि एम बाई आर प्रूव होगा इनिशियल कंडीशन टाइम तेल पोटेंशियल बाहर हो माइनस जि एम बाई आर एवं ग्राविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पचार ग्राविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो ग्राविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो ग्राविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटी के फॉर्मूला ना इक्वल्स टू माइनस डी बाय डी आर नेगेटिव ग्रेडिएंट ऑफ पोटेंशियल इज योर ग्राविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ताले ये माइनस डी बाय डी आर भी जार के पुट करी भी ना माइनस जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई आर ये माइनस माइनस कौन है ये माइनस माइनस कौन है प्लस है ताने मुझे पाने इक्वल्स टू डी बाय डी आर है जी एम बाई आर स्क्वायर जीएम बाई सॉरी जीएम बाई आर माइनस माइनस प्लस कॉन्स्टेंट किए जीएम कॉन्स्टेंट बाहर पड़े आसो पुणे पे मुझे लिभाऊँ पुणे पे मैंने ये इक्वेशन को मन रखि थोड़ा पुणे पे मुझे लिभाऊँ एवं देख डेरिवेशन तो लेंथी जहाँ हम ये तुम प्लस थ्री पढ़ुज तुम भाव इजी डेरिवेशन टी लेंथी डेरिवेशन इजी डेरिवेशन लेंथी हम तो इक्वल्स टू डी बाई डी आर एट कन्स्टांट किए जीएम कन्स्टांट बाहर पड़े आसला बाकी डी बाई डी आर वन अपन आर तो इक्वल्स टू जीएम एक्स टू दि पावर एन डेरिवेटिव फॉर्मूला कौन एन इंटू एक्स टू दि पावर एन माइनस वन एटे के डी बाई डी आर आर टू दि पावर माइनस वन एटा कौन हम इक्वल्स टू जीएम एन जगह केट कर माइनस वन सल्व कर एनटा माइनस वन अच्छे सल्व कौन जो माइनस वन बै आर स्क्वायर तो इक्वल्स टू माइनस जीएम बै आर स्क्वायर ये तो रोज कौन ना ग्राविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इन आउटसाइड द स्पेरिकल सेल स्पेरिकल सेल आउटसाइड रे एति अच्छे तो इनसाइड रे केते हबो ताको आम नेक्स्ट क्लास डिस्कसन करवा तो आज पेटी था नेक्स्ट क्लास आम इनसाइड रे केते होजी बा मु एंड स्क्रीन दे देबी तब तक देख पाए ठीक अच्छे थैंक यू।